व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर होने वाली तकरार कितना खतरनाक रुख ले सकती है, ये सोनीपत में हुई एक घटना से सामने आया है। यहां व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो डालने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। जिस युवक की जान गई वो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक था। सोनीपत के दिल्ली कैंप इलाके में रविवार रात को ये घटना हुई। 28 वर्षीय लव जौहर नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिस जगह ये घटना हुई उससे पुलिस चौकी महज 500 मीटर की दूरी पर है। लव जौहर के भाई अजय ने बताया कि लव और मुख्य आरोपी दिनेश उर्फ बंटी एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। लव ने गलती से एक फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। इस फोटो पर दिनेश ने आपत्ति जताई तो लव ने उससे कहा कि गलती से ये फोटो डल गई है। बंटी ने लव को फोन अपने घर बुलाया। लव अपने कुछ साथियों के साथ बंटी के घर गया। वहां देखते ही देखते तू मैं खूनी संघर्ष में बदल गई। बंटी पक्ष के लोगों ने ईंटों और डंडों से लव और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। हमले में लव की मौत हो गई। इसके साथ ही कमल, उमेश और मोनू घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर लव के कई परिजन मौके पर पहुंच गए। उस वक्त पुलिस ने किसी तरह उन्हें जल्दी कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत किया। सोमवार सुबह तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लव के परिजनों ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर विरोध जताया। थाना सिविल लाइंस के प्रभारी नरेंद्र कुमार का दावा है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मोबाइल की जांच कराई जा रही है कि एक फोटो को लेकर विवाद खूनी टकराव की नौबत तक कैसे पहुंच गया।